की पावर 4, इसे भी हमने ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिखना है। ओके, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखे, ऐसे लिख देता हूं मैं इसे। यहां पर पावर 4 है तो इसको पावर 2 में ले लेते हैं हम, 1 माइनस आयोटा का स्केयर इंटू 1 माइनस आयोटा का स्केयर। ओके, 2 2 पावर अलग कर 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 लेते हैं हम। ओके, तो अभी ए प्लस बी का स्क्वेयर क्या होता है, ए का स्क्वेयर प्लस बी का स्क्वेयर प्लस 2ab। ओके, और मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको, आयोटा का जो स्क्वेयर है, आयोटा स्क्वेयर की क्या वैल्यू होती है, -1। ओके, ये भी हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो यहाँ पर 1 का स्क्वेयर करूँगा मैं और प्लस आयोटा का स्क्वेयर और प्लस 2 आयोटा इंटू 1। ओके, और इंटू यहाँ पर भी सेम ही आएगा, 1 का स्क्वेयर प्लस आयोटा का स्क्वेयर और प्लस 2 आयोटा इंटू 1। ओके, आयोटा स्क्वेयर जहाँ पर है वहाँ पर -1 रख देते हैं हम। तो देखिए 1 का स्क्वेयर 1 ही होता है, तो 1 और आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू -1 प्लस 2 आयोटा, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पर भी 1 का स्क्वेयर 1 और आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू -1। ओके, प्लस यहाँ पर 2 आयोटा, ये कितना हो गया 0, 1 -1 0, प्लस यहाँ पर कितना बचे 2 आयोटा, और यहाँ पर भी ये भी 0 हो गया, तो यहाँ पर कितना बचा 2 आयोटा। ओके, 2 आयोटा, अभी इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना हो गया 2 आयोटा इंटू 2 आयोटा, 4 आयोटा स्क्वेयर। 4 आयोटा, 2 की मल्टीप्लाई 2 से 4, और आयोटा की मल्टीप्लाई आयोटा से, तो 4 आयोटा स्क्वेयर हो गया। अभी हम वापस आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, तो 4 माइनस 4 इंटू -1, आयोटा स्क्वेयर की जगह मैंने -1 पुट कर दिया है, तो ये कितना आ जाएगा -4। ओके, तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। इसे हमने ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिखना है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, -4 प्लस आयोटा इंटू 0। ओके, यहाँ पर ए की वैल्यू है -4 और बी की वैल्यू है 0। ये हमने क्वेश्चन 8 देख लिया है। अभी हम क्वेश्चन 9 पर आ जाते हैं।